समस्त को नमस्कार। एबे कॉमन प्रोस्पेक्टस आपणकर पीजी एंट्रेंस टेस्ट आस जाइछि। आपण केवल गोटे फॉर्म फिलअप करिया पई हबो, काहेकि अदर यूनिवर्सिटी रे कोन होतला अलग अलग टाइम रे एंट्रेंस बाहर तुला, तो किए कौन एप्लाई करि पानो थला, डेट सब अलग थला। तेणु एथर बेटर होइछि कि आपण गोटे प्लेटफॉर्म रे आसिकि सांस ओडिसारे सब यूनिवर्सिटी रो जो थे आप मन मुताबक जो थे पीजी करिवे, जो यूनिवर्सिटी रे पीजी सेथिरे फॉर्म एप्लाई करि परिबे। तबे किमिति आपण माने एप्लाई करिवे, कोन कोन गाइडलाइंस रहिछि, तबे चालन्तु देखिबा डिटेल्स। देखंतु प्रोस्पेक्टस जो रहिछि आपनकु डिटेल्स इनफॉरमेशन प्रोवाइड करूछि। एथिरे आपण देखि पारथिबे कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट विषय रे पीजी कोर्सेस आपणकर स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट गवर्नमेंट एडेड कॉलेज सबुथिरे कोर्स रहिछि पब्लिक यूनिवर्सिटी पई, एवं सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंस्टीट्यूशन इनटेक कैपेसिटी केते केते रहिछि सेगुडा को आपणकर एनेक्सर सेकेंड थर्ड फोर्थ रही जो आपर सीपीटी 20 एटा कंपलसरी जो मैंने कि एडमिशन पीजी करने चाहिए यही प्लाटफर्म आपड़ ही एप्लाय करेंगे। यहाँ ही प्लाटफर्म अन्य वे रे एप्लाय करें ना एप्लिकेंट जो मैंने कि एक्जिस्टेड पब्लिक यूनिवर्सिटी कॉलेज अच्छी 2021 ऑनलाइन मोड्रे केवल आपंकर एप्लाय हम ऑफलाइन मोड्रे किसी आपड़ सबमिशन करेंगे ना। ये जो आपणकर एप्लीकेशन फॉर्म ये जो साम्स ओडिशा डॉट जीओवी डॉट इन देखुंट ये आप क्लिक करेंगे ये वेबसाइट को जीवे ये वेबसाइट को गले आपणकर प्रोस्पेक्टस डिटेल्स आप एप्लाय करेंगे किमी आप एप्लाय करेंगे वेबसाइट जाए। तेनाली नेक्स्ट वीडियो मुझे नेक्स्ट वीडियो बनवे आप डिटेल्स देखिपरि एवं आम देखिपर कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से भिडियो आपड़ वेबसाइट जाए आम डिटेल्स आपत एप्लाय करेंगे कौन करेंगे मुझे डिटेल्स आपको जनदेवि। तेज चलते देखा ए एप्लीकेशन फॉर्म आपनो मल्टीपल पीजी सब्जेक्ट आपनो चाहूँ कि पॉलिटिकल साइंस आपनो चाहिए हिस्ट्री आपनो मैक्सिमम पांच टी सब्जेक्ट पर्यंत आपनो अप्लाई करी पारिबे आपनको एलिजिबिलिटी हिसाब से जदि आपनको एलिजिबिलिटी थिबो तेनु आपनो अप्लाई करी पारिबे सेथिरे आपनको ऑप्शन प्रोवाइड करा जिवो। मल्टीपल सब्जेक्ट पई आपनको एडिशनल फी ईच एडिशनल सब्जेक्ट पई फी अच्छी 200 लेखा मुझेदेवि पर अच्छे आप देखिए एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा 200 लेखा आपको एप्लाय करने पड़ो। तापर देखो जदि एप्लिकेंट्स मल्टीपल ऑप्शन चूज कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आप यूनिवर्सिटी कॉलेज चूज करेंगे लाकि प्रिफरेंस हिसाब से आपड़ से देते धर जो आप चाहूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उत्कल यूनिवर्सिटी एप्लाय करेंगे पॉलिटिकल साइंस ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी आउ पॉलिटिकल साइंस एफएम ऑटोनॉमस बालेश्वर ओके। तो फर्स्ट चॉइस आपणकर देवे धरा जाऊ ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस, सेकंड चॉइस देवे उत्कल यूनिवर्सिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एवं थर्ड चॉइस देवे एफएम ऑटोनॉमस कॉलेज बालेश्वर देवे हैला कि। तो ताहले आपनकु के भले भाव में देवाई हम देखो ऑप्शन 1 पॉलिटिकल साइंस एट द रेट ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी, 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एट द रेट उत्कल यूनिवर्सिटी, 3 पॉलिटिकल साइंस एफएम ऑटोनॉमस कॉलेज बालेश्वर। यही भाई भाव में आपको एप्लाय करने पड़ो एवं ये आपणकर जो एप्लीकेशन फॉर्म क्लीयरली इंडिकेट हो आपण मानक जड़े कैंडिडेट 10 ऑप्शन मैक्सिमम रहिबो। कंप्यूटर बा इंटरनेट जनरेटेड जो आपणकर एप्लाय कर सारापर जो आपंकर एप्लीकेशन बाहर जो थे कि बारकोड ऑटोमेटिकली बाहर आपड़ एप्लाय कर सारापर से ही केवल निपण डीटी बार टाइप करसेप्ट करतेल पेमेंट आपड़ करेंगे है कि सीएफपी केवल प्रेसक्राइब गेटवे कौन कौन वे करेंगे मुझे कहीदेव। इंपोर्टेंट डेट रही देखो देखो आपण एप्लीकेशन फी कहते जनरल कैंडिडेट पर आप 500 फास्ट सब्जेक्ट जो देते 500 देते सहित आपड़ एडिशनल सब्जेक्ट जहाँ देते प्रति सब्जेक्ट को आप 200 लेखाएं देते ओके। आउ एडिशनल फी फॉर शेयरिंग सेम एंट्रेंस टेस्ट दैट इज इकोनॉमिक्स एंड एप्लाइड इकोनॉमिक्स आपको यहाँ एडिशनल फी देवाई पड़ो ना। एससी एसटी कैंडिडेट देखो आपको 300 देते
एवं फास्ट सब्जेक्ट पाई एवं नेक्स्ट एडिशनल सब्जेक्ट जहाँ हम 200 लेखाएं देवे देन पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट मानक किसी एप्लिकेशन ना टी जी थर्ड ट्रांसजेंडर मानक किसी फी ना एवं फी जोटा एमाउंट कैलकुलेटेड प्रिंटेड होती टॉप ऑफ आपंकर एप्लिकेशन प्रिंट आउट कॉपी रहिबो आपण जितेबाले फी दे सारा पर केतेबेले भी आपण फी रिफंड पाई लेटर डेट रे आपण कही पारे ना एवं यहाँ एप्लिकेशन एडिट करें ना कहीं एडिट जो आप किसी करेक्शन जो चाहते आपंकर नाम भूल कि एड्रेस भूल कि डेट अफ बर्थ कौन भूल तो आप स्टेज थाए के जगह आप मॉडिफाई करने तेणु से भाई भाव में ना तेणु आपण मैंने भलसे देखिकी डिटेल्स मुझको कहीदेवि आपण मैंने सब भल भाव बुझी सारापर ही अप्लाई करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट देखु जितेबाला आपड़ जदि एससी एसटी कैंडिडेट है कि जोटा जदि आपंकर ऑनलाइन रे वेरीफाई होना तेब आपन को एट द एडमिशन समय आपन नहीं एससी एसटी सर्टिफिकेट देबे जदि आपन कास्ट सर्टिफिकेट जदि प्रोड्यूस करी पारु नहांती एडमिशन समय रे देन आपन को एडमिशन मिलिबो नहीं। ओके हुए तो आपंकर मेरीट लिस्ट ना थपे कि मेडिसन मिलो ना कहीं आप कास्ट सर्टिफिकेट आप एससी एसटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड दे पारती जदि आपणकर रिगार्डिंग ऑनलाइन पेमेंट समय ऑनलाइन केवल पेमेंट समय जो किसी प्रॉब्लम ऑनलाइन पेमेंट लिंक फेल्योर देखुची हो ना पेमेंट कर पारना तेज आपण मैंने जाइए ये जिमेल रही आपणको मेल रे आप मेल पठे पारे यही मेल को आपड़ मेल पठेबे जे मोर ये सब प्रॉब्लम हो मेल आपको रिप्लाय आसो देखु जेहेतु आपण एप्लाय कर इंडिविजुअल स्टेटस आपणकर जितेबले भी आपणकर मोबाइल थ्रो रे आसीबो जो मोबाइलटा आपण सब रोचे एवं मोबाइलटा काम कर नंबर ही देते कहीं आप एप्लाय कर सारे जहाँ भी डिटेल्स आपको एसएमएस स्तर में आपको से ही मोबाइल रे ही आसीबो एवं जो इमेल एक्टिव अच्छी आपंकर एक्टिव इमेल से इमेल के आपणकर एप्लिकेशन जो एप्लाय कर देते एवं आपण सब dhc.gov.in एवं samsodisha.gov.in ये वेबसाइट सब विजिट अप्लाय कर सारे विजिट करेंगे कहीं से आपंकर डिटेल्स अपडेट ये आपंकर वेबसाइट पाइबे एवं आप टोल फ्री नंबर ये नंबर दिहाई आप कॉल करेंगे जोटा आपण जदि फाइनल ईयर परीक्षा देती आपंकर रिजल्ट पब्लीश होना ताफल भी आपड़ एप्लाय करें किसी प्रोब्लेम ना कि आपंकर मार्क अपलोड करने डेट से अच्छी मेनसन अच्छी आपड़ रेजल्ट आसला सांस सैट को जाकि डेट लाइन हिसाब से पॉइंट फोर आपंकर मार्क अपडेट करें कैंडिडेट जो मैंने कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट मार्कशीट अदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय एडमिशन समय आपन को दवापाई हम आपन को सबमिट करापाई हम एडमिशन ना आपंकर कैनसल होदी आपणकर सर्टिफिकेट बा मार्कशीट बा किसी डॉक्यूमेंट जो मैनिपुलेटेड बा फोर्ज हो तेबे आपणकर कैनसल हो जाए पारे मैंने कैनसल ही हम जीपर ना कैनसल हम देखो एवं जेहेतु आपंकर कोविड 19 सिचुएशन अच्छी तेणु आपण कंटिन्यूसली आपन को विजिट करिबा दरकार कहीं कौ समय भी चेंज हो जाए पारे आपन जदि एप्लाय करिथिबे ही सेतेबेले आपन क्लेम करिबे जहा जदि आपन एप्लाय करिनथिबे सेतेबेले आपन क्लेम करिपरिबे नाही कहीं आपण हुए तो ऑनलाइन जो एंट्रेंस न होई पारे मार्क बेसिस रे भी सिलेक्शन होई पारे तेणु आपण मैंने सब वेबसाइट सहित सब जड़ित होते आप बारंबार विजिट करुथिबे सांस ओडिशा डी चुटा ये दुटा वेबसाइट सहित सब आपड़े आपणकर एडमिशन यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्टल सीट फीज डिटेल्स सब बड़े होते हैं जड़े स्टूडेंट इलेक्टिव पेपर जो थोड़ा जार इलेक्टिव पेपर अच्छी कैरेज 24 क्रेडिट अंडर ग्राजुएट लेवल जो अच्छी से पीजी लेवल एप्लाय कर सी एक्स्ट्रा फोर मार्क अनर सब्जेक्ट पाइब ना हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट वन कोर्स वन फी फॉर सीपीटी अंडर साम्स सीपीटी अंडर साम्स गोटे कोर्स गोटे फी पाई अप्लाई करी कहीं आप थे ही एका सहित मिसिकी दूसरी बारंबार आप फी देबे ना तेब देखु ये रहा आपंकर ओडिशा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल रे गवर्नमेंट ओडिशा आपंकर कॉमन एंट्रेंस एडमिशन करुच्ची साम्स द्वारा करुच लिखाई आप हिसाब से रैंक बाहर एंट्रेंस हम कौ कौ यूनिवर्सिटी आप एप्लाय करेंगे तापर आप रैंक बाहर आप एडमिशन करेंगे
ए एडमिशन विषय एवं एटा कम्प्लीटली आपंकर ऑनलाइन रे हबो ऑनलाइन रे आपण अप्लाई करिवे ऑफलाइन आपण को कौन सी नियाजीव ना देखो यही आपला फल कौन हम सिंगल विंडो सिस्टम हम आप इनकनभीनियंस होती एंट्रेंस सेपरेट हो अलग अलग ईच यूनिवर्सिटी कॉलेज तो इनकनभीनियंस हो सब पे इनफर्म पाइपार ना एप्लाय कर पार ना से इजिली टेक ओवर हो कौन हम यहाँ ट्रांसपेरेंट हम और एग्जाम एप्लिकेंट्स पेरेन्ट्स मानक सिलेक्शन कमी जो अधिक एप्लाय कर आपने देखिपरेंगे एवं यूनिफर्म शेड्यूल स्टेट डिक्लेरिंग डिग्री रिजल्ट एवं वर्कलोड कमी यूनिवर्सिटी कॉलेज मानक सेवरल मॉड्यूल धरा जाए आप अलग अलग यूनिवर्सिटी रे अलग अलग आप कॉलेज रे अलग अलग बारंबार परीक्षा हे सहीटा कमी ड्यू डाटाबेस आउ कौन हम एवं सब्जेक्ट वाइज गोटे कमन मेरीट लिस्ट आसो जोटा कि डिफरेन्ट डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी देखो यहाँ आप डिटेल्स डेट दिखाई देखो पीजी एंट्रेंस ओडिशा आपणकर जोटा स्टूडेंट एकेडमी मैनेजमेंट सिस्टम साम्स दिखाई एवं टोल फ्री नंबर ये वेबसाइट दिखाई देखो आपण मैंने 12 अगस्त मॉर्निंग 11 रु आपणकर ऑनलाइन एप्लीकेशन आसी जाऊँगी एवं आपण मैंने 31 अगस्त 11:45 PM पर्यंत आपण अप्लाई करिपरिबे आपणकर हॉल टिकेट डाउनलोड 20 सेप्टेम्बर आसीबो 2 PM रु एवं आपणकर एंट्रेंस जो टेस्ट हबो 30 सेप्टेम्बर रु 7 अक्टोबर भितर हम एवं ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट मार्क जदि आपणकर अपडेट करेंगे जी कि जो मैंने एपीआर करिचंती मार्क आसी ना से 10 अक्टोबर 2020 रे 11:45 भितर आपणकर अपडेट करेंगे एवं एंट्रेंस मार्क ओका एंट्रेंस आपको एंट्रेंस मार्क मिले 20 अक्टोबर स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट 25 अक्टोबर आपंकर एडमिशन प्रोसेस 20 नवेम्बर भितर एवं फास्ट ईयर क्लास आमको 1 डिसेंबर हम देखो जेहेतु एवं COVID-19 केसेस अच्छी हुए तो डेट्रे चेज कौन सी पारे तेणु मैंने यहाँ टेंटेटिव डेट दिखाई तेणु जी भी आप्लाय कर वेबसाइट बारंबार भिजिट करेंगे देखो किमी ई एडमिशन होची एप्लीकेशन प्रोसेस आपण ये वेबसाइट जाए डीएच ओडिशा साम्स ओडिशा एथिरे आपण पीडीएफ फॉर्मेट देखिए फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म कॉमन प्रोस्पेक्टस सब्जेक्ट कौन कौन रही सब देखि पारिबे एवं कैटेगरी कोर्स जो इनक्लूड कराई ना इंडिविजुअल ऑन एडमिशन रे अप्रूव्ड नेम हिसाब से हम गवर्नमेंट गाइडलाइंस हिसाब से कोर्सेस पीपी मोड रे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट बा डिप्लोमा कोर्स सब्जेक्ट यूनिट डेटा ये अच्छी रोज एवं जोटा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपंकर रही सब्जेक्ट रही सब आप्लाय करेंगे आपण मैंने जो भी ऑनलाइन फैसिलिटी थी आप मोबाइल रे चाहिए अप्लाई करेंगे आपड़ जाइए कॉमन सर्विस सेंटर जो भी इंटरनेट फैसिलिटी रही आपंकर साइबर कैफ्रे जाए अप्लाय करें आप वेबसाइट को जाइए अप्लाय करें फी मु डिटेल्स कहीदी तापर आपन कौन आसो ऑप्शन वाइज आप जो हिसाब से देखिए से हिसाब से फी आसो जमी कहल कि जनरल कैंडिडेट्स 500 SC/ST 300 पर सब्जेक्ट हिसाब से ने एडिशनल एडिशनल ने मुझे सारी ऑलरेडी दिखाई रिजर्वेशन देखो SC 16.25% जैसे स्ट्रांगसन स्ट्रेंथ ST 22.5% इंटरचेंज बिटवीन SC/ST भितर हो पार रिजर्वेशन सिस्टम एवं SC/ST एप्लिकेंट्स जो मैंने रही एडमिशन समय मेरीट सेलन टू भी काउंटेड रिजर्व सीट ठीक है मेरीट रिजर्व सीट हिसाब से ने नहीं पारे ना ओके डिजेबिलिटी 5% एक्सर्विसन 1% ये रही वेटेज देखो वेटेज जो जो स्ट्रीम रही आपणकर जो जिते जन कैंडिडेट्स अप्लाई करुंट वेटेज हिसाब से 10% सांसन स्ट्रेंथ रु अधिक बढ़ना 10% सीट सबु कैटेगरी एप्लिकेंट भितर डिस्ट्रीब्यूशन हबो एप्लिकेंट जी कि वेटेज एंड सिलेक्टेड वेटेज हिसाब से हेतिबो एवं एडमिशन नबो एवं से सही 10% भितर ही रहिबो कटो मार्क मध्य जिते भी चेंज हेले भी ओके देखो NCC पई सिमति जदी आपनकर बी सर्टिफिकेट आपनो जदी
होल्डिंग करुँच आपरे अच्छी एनसीसी तेज आपको एडिशनल 5% आपको दिजो एबव एग्रीगेट मार्क सिक्योर्ड प्लस थ्री मार्क पर देखो जदि आप स्टेट बा ऑल इंडियन लेवल एनसीसी कैंप बा कोर्स बा एक्टिविटी दिखाई तेबे 3% एक्स्ट्रा मार्क एग्रीगेट उपर दिजो ओके जदि एनएसएस अच्छा एनएसएस जो कंट्री इंटरनेशनल लेवल रिप्रेजेंट कर ओन कंट्री इंडिया को तबे फास्ट प्रायोरिटी दिजो एप्लिकेंट जे कि रिप्रेजेंट स्टेट को नेशनल लेवल 5% दिजो आ जो इंटर स्टेट कैटेगरी 3% दिजो बेस्ट एनएसएस वॉल्यूंटर यूनिवर्सिटी लेवल 2% दिजो देन रोभर रेंजर पोजेसिंग जे कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा जहाँ एक्वायर करथिबो जहाँ पाखरे थिबो ताकु एडिशनल 5% दिजो रोभर रेंजर जे कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट जदि गवर्नर बा पेट्रोन बा प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट एसोसिएशन जदि कैरी करथिबे ते एडिशनल 2% मार्क दिजो स्पोर्ट्स गेम देखंथु एप्लीकेशन जदि कि जे कंट्री इंटरनेशनल लेवल रे कंट्री जदि रिप्रेजेंट करथिबो फास्ट प्रायोरिटी दिजो एप्लीकेशन जी कि स्टेट ना नेशनल लेवल कर 10% दिजो जी कि स्कूल एट दि इंटर स्टेट स्कूल स्पोर्ट्स मीट रे रिप्रेजेंट कर एडिशनल 5% मार्क दिजो ओके प्रिंसिपल्स फॉर प्रिपेरेशन ऑफ स्टेट वाइज सब्जेक्ट मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हम मैंने सब्जेक्ट वाइज इलिजिबिलिटी एनेक्स 2 रे दिखाई किमती आपन को दिजो जे कि फाइनल ईयर सेमिस्टर डिग्री एग्जामिनेशन 2020 अप्लाई कर इंटरनेट अप्लाई करूँ से मार्क अपलोड पर करेंगे जो मानकर रिजल्ट आसी ना एवं सीपीटी 2020 रो जो स्टेट वाइड मेरिट लिस्ट एटा आपणकर केमिती होबो ना आपणकर करियर मार्क रहिबो 30% एवं जोटा एंट्रेंस होबो सेई मार्क होची 70% किंतु इनकेस जदि हे पाला नहीं करियर मार्क उपरे टोटल उपरे सिलेक्शन होबो जेहेतु COVID-19 केसेस रहिछि तनो केमिती होबो करियर मार्क्स केमिती दिजो देखिए आम कैलकुलेट कर 30 मार्क्स जो थी 5 मार्क्स 10th दिजो एवं 10 मार्क आपको प्लस 2 रही 15 मार्क रही प्लस 3। ओके तो आप इंडिकेट एप्लिके रिक्वयर आप जी एप्लिकेसन आप्लाय कर एप्लिकेट आपको आईदर दि मार्क्स और दि CGPA जमी रिफ्लेक्ट होके केमी मार्क रही देखो परसेंटेज ऑफ मार्क्स एक्सप्रेस जे फ्रैक्शन CGPA जोटा रही थी ठीक है ताकू आप 10 मल्टीप्लाइड बै 5 in 10th एक्जामिशन मल्टीप्लाइड बै 10 in+2 एक्जामिनेसन हम है कि नहीं भाव में आप कन्वर्सन करें जदि एप्लिकेंट सब्जेक्ट पीजी लेवल रो कोर ऑनर्स बा यूजी लेवल अच्छी देन 4 मार्क से पाइब डिस्टिंक्शन 1 मार्क पाइब 10 मार्क प्लस 2 हिसाब से जो भाला से हिसाब से दिजो तापर देखु जदि सेम धरा जो दुई जन मार्क सेम रोच एंट्रान्स आरियर तो कौ भाई भाव में एगुड़ाक सब आप सिलेक्शन हम यूनिवर्सिटी द्वारा आम किसी से दबा ना केवल एडमिशन केमी होमें जानापी कहूँ ये भाव में सिलेक्शन हम एंट्रान्स प्लस करियर मार्क एंट्रान्स मार्क मेरिट हिसाब से कैलकुलेट करने दिजो एंट्रान्स मार्क जो आइडेंटिकल होगा देन करियर मार्क निजी देन करियर मार्क समान ले प्लस 2 मार्क नेक्स्ट रैंक पाई प्लस 2 मार्क कंसीडर करा जिवो जदि प्लस 2 मार्क पुनी समान हला देन एप्लिकेंट बोर्न अर्लियर जेहरो डेट ऑफ बर्थ मान जहार अधिक वयस होइथिबो ताकु ही से ही हायर रैंक पाइबो ओके देन चलंतु रिजर्वेशन पॉलिसी जोटा गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा जो रिजर्वेशन पॉलिसी रही रिजर्वेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करा आपणकर प्रिपेरेशन रे मेरिट लिस्ट रे पर्सन जदि जी डिसेबिलिटी रही मेरिट विदाउट रिलैक्स स्टैंडर्ड रिलैक्स दिया है नहीं जदि सी सिलेक्ट मेरिट लिस्ट रही एलंग विथ अदर कैंडिडेट सेलेंट पी एडजस्ट रिजर्व सेयर वैकेंसी तेल आउ रिजर्व भितर रखा ना रिजर्व वैकेंसी सेपरेटली फ्रॉम होती जो मैंने इलिजिबल कैंडिडेट रही विथ डिसेबिलिटी रही से मानते फिलअप करके देन द एट्रेन जो एग्जामिनेशन आपंकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रे केमिति रहिबो आपनको 1 मार्क करेक्ट आंसर पई 1 मार्क एवं रॉन्ग आंसर पई 0 मार्क माने नेगेटिव मार्किंग नाही आपन जेतेटा ठीक करिवे सेतिकी ही मार्क पाइबे
ओके एवं एनसार जो कर ओएमआर सीट रे दिया जाए आपंकर ऑनलाइन नुहे आपंक ऑफलाइन जो ओएमआर सीट रे आपन फिलअप करेंगे एवं प्रति पेपर देखते विल बी 90 मिनिट रहा कि प्रति पेपर आप 90 मिनिट रतुरीटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रतुरीटा क्वेश्चन तेनाली 70टा क्वेश्चन 70 मार्क 90 मिनिट दिजा आपन को घंटे 30 मिनिट दिजा आपन को है कि 1.5 घंटा दिजो एंड क्वेश्चन टा कौन हम 40 क्वेश्चन आपको एमती पड़े देखो 40 क्वेश्चन आपको ऑनर्स रू पड़ो 30 क्वेश्चन आपको सेम सब्जेक्ट जोटा आप इलेक्टिव पेपर ओल्ड सीबीसीएस यूजी सिलेबस हिसाब से पड़ो एवं मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जो थे कि वन डेडिकेटेड अंडरग्रेजुएट कोर्स जो अभेलेबल ना क्वेश्चन यूजी करिकुलम रु दिजो ओके एंथ्रोपोलॉजी जदि सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी जो मैंने नौकरी किसी यूनिवर्सिटी स्टेट कौन कर सीट एक्सक्लूसिवली साइंस स्टूडेंट और एमएससी डिग्री दौर इन आर्थ्रोपोलॉजी तेणु सेपरेट एंट्रेंस हम साइंस स्टूडेंट मानी COVID-19 केस जेहेतु रोची तेणु होल स्टेट आम होल कंट्री सिचुएशन रोचे तेणु जदि एंट्रान्स हो पारना तेब आपको के हिसाब से सिलेक्शन कर 10+2+3 30:30:40 ताने आपको 10th 30% प्लस टू को 30% और ग्राजुएसन को 40% एम्फासीस हिसाब से आपको मेरीट लिस्ट प्रिपेरेसन कर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दिया देखो फॉलोइंग यूनिवर्सिटी आपको एंट्रेंस टेस्ट दिखाई ह्यूमैनिटी उत्कल यूनिवर्सिटी ये सब्जेक्ट कर एंट्रेंस है कि यहाँ जानापी दिखाई आपको कौन यूनिवर्सिटी साइंस रे देखो संबलपुर यूनिवर्सिटी ये जो साइंस सब्जेक्ट के दिगला ये सब कर ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी बिजनेस एंड कमर्स ए कर देखो एग्जामिनेशन सेंटर आपंकर यूनिवर्सिटी कॉलेज एंट्रेंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन हे कैंडिडेट्स निजर नियर बाय सेंटर को चूज करेंगे किंतु फाइनल एलोकेशन सेंटर जोटा कि कंडक्ट यूनिवर्सिटी सी आपन को वेबसाइट रे अपडेट हे यूनिवर्सिटी एज एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन यूनिवर्सिटी रे एग्जामिनेशन सेंटर हे उत्कल यूनिवर्सिटी रमादेव यूनिवर्सिटी रेभेन्सा इनिट्यूट ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी खलिकोट यूनिवर्सिटी संबलपुर यूनिवर्सिटी गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी फकीरमोहन यूनिवर्सिटी नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी देन कलाहांडी यूनिवर्सिटी राजेन्द्र यूनिवर्सिटी दैट इज सेंटर ये सब यूनिवर्सिटी हे देन ऑटोनॉमस कॉलेज सेंटर सेमती रही है विक्रमदेव ऑटोनॉमस कॉलेज जयपुर गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज भवानी पटना डीडी ऑटोनॉमस कॉलेज केउंझर गवर्नमेंट ऑटोनॉमस राउरकेला राजेन्द्र ऑटोनॉमस कॉलेज बलांगीर जदि किसी नेसेसरी पड़ू मिनिमाइज द ट्रैवल कैंडिडेट द गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज दिजो जदि कहार बहुत डिस्टेंस होगापी से ही समय पाख सेंटर कौटी हो पाए तेणु 3 यूनिवर्सीटी जो मैंने कि सीपीईटी कंडक्ट करें चार्जरे रे कि से हिसाब से कंडक्ट एंट्रेंस ओके देखो यहाँ गोटे आपर एप्लीकेशन फॉर्मेटा रही डिटेल्स रही देखो नेम फादर्स नेम मदर नेम यहाँ डिटेल्स केमी आप एप्लाय करेंगे कौन कौन आपखे रेडी एप्लीकेशन फॉर्म एप्लाय पूर्व रखिए यह सब रही डिटेल्स केमी एप्लाय करेंगे कौटी क्लिक करेंगे कौन तापर कौन आज पूरा डिटेल्स आपको ये देखते परसेंटेज रही सब ये गोटे एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स आपको नेक्स्ट भिडियो मुझे कहि ये देखो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जमी कोर्स एएससीए पीजी सब्जेक्ट हिस्ट्री आर्ट स्ट्रीम रही करंट इलेक्टिव सब्जेक्ट मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड केते परसेंट मिनिमम आपको जो 45% हम आप एप्लाय करेंगे जमी देखते गोटे देख एंथ्रोलोजी आर्ट्स आपको ये सब्जेक्ट रही दरकार मिनिमम 45% रही दरकार ठीक अच्छे बायोकेमिस्ट्री आपको एमती रही दरकार आप इलिजिबिलिटी सब रही इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जमी आपर बायोसाइंस बायोइनफर्मेटिक्स पीजी एंट्रेंस सब्जेक्ट हूँ बायोटेक्नोलॉजी पर हम आप स्ट्रीम कौन कौन स्ट्रीम आपपारे मैंने साइंस बीटेक बी एमबीबीएस बी फार्मेसी ये स्ट्रीम आपड़ी पढ़ुचार ऑनर्स फिजिक्स बायोटेक्नोलॉजी केमिस्ट्री मेथोलोज बॉटनी जियोलॉजी एम एनी जेहतु बीटेक बी एमबीबीएस सेमती ना तेणु एनी रेपारे इलेक्टिव ये सब सब्जेक्ट मिनिमम 50% है कि आपड़ जब 50% रखिथे तेज आप अप्लाई करि परिबे तबे ए हिसाब रे आपनकर अछि एनवायरनमेंटल साइंस डिटेल्स अछि आपन जर्नलिज्म कम्युनिकेशन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी लाइब्रेरी इनफॉरमेशन साइंस साइंस रे देखंतु आपन एनी ग्रेजुएट भी करि परिबे आर्ट्स करि परिबे बा जदि आपन बैचलर इन लाइब्रेरी कोर्स भी 1 ईयर कोर्स जदि करछन तापर मध्ये आपन करि परिबे
है कि ग्रेजुएट हेले आपको ऑनर्स किसी भी थपे आर्ट्स हेले आप लाइब्रेरी साइंस थी एटा थी आप इलेक्टिव एनी थी ग्रेजुएट हेले यह करेंगे आपड़ जदि एनी ग्रेजुएट तेज आप 50% थी एवं जदि आर्ट्स ग्रेजुएट जदि आप लाइब्रेरी साइंस थी तेज 45% यह भाव में रही लाइफ साइंस भी रही देखो बायोटेक्नोलॉजी में डिटेल्स रही पीजी सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जमी कोर्स लिंग्विस्टिक रे पीजी एंट्रेंस ऑफ़ द लिंग्विस्टिक सब डिटेल्स रही आपंकर से हिसाब से आप जो हिसाब से आप इलिजिबल अच्छा से हिसाब से आप अप्लाई करिपारे एवं डिटेल्स जदि आपंकर देखो यहाँ रही आप इनटेक कैपेसिटी आप स्क्रीनशॉट करके नहीं कि रखिपर जो आप दरकार वीडियो बहुत लंबा हो तेणु मुझे डिटेल्स गुड़ा गोटे गोटे कहूना आपण को जोटी धर जो चाहूँ देखो बालेश्वर धर जो फकीर यूनिवर्सिटी आप जियोग्राफी करेंगे है कि नहीं टू ईयर कोर्स यहाँ हूँ आपंकर कैपासीटी ये है कि तो से हिसाब से आप स्क्रीनशॉट मारिक देखिपरि एत बड़ जदि बहुत वीडियो बहुत लंबा हो तेणु मुझक गोटी गोटी कह आवश्यकता किसी ना जो यूनिवर्सिटी आप जो सब्जेक्ट पे आवश्यक रही आपड़ा स्क्रीनशॉट मारि रखिपर देखी दिखाँ रेवेन्स यूनिवर्सिटी सब डिटेल्स रही यूनिवर्सिटी वाइज इनटेक कैपेसिटी कोर्स ड्यूरेशन डिटेल्स रही कि आप डिटेल्स या वीडियो को आप पॉज कर देखिपारे आप स्क्रीनशॉट मध्य नहींपरिवे एपंकर डिटेल्स डिस्ट्रिक्ट वाइज यूनिवर्सिटी कोर्स इनटेक कैपेसिटी केत रही ड्यूरेशन कोर्स ड्यूरेशन के रही आपंकर फुल डिटेल्स वन बाय वन दिखाई आपको कॉलेज वाइज डिस्ट्रिक्ट प्लस कॉलेज वाइज आप डिटेल्स ये आप देखिपर आप एस एफ लिखाई से सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है कि सेल्फ फाइनेंसिंग मोड्रे आप दिखाई ओके तबे नेक्स्ट वीडियो आम बहुत शीघ्र अपडेट करूँ आपण मैंने डिटेल्स देखी नि भलसे देखिए अप्लाई करेंगे एवं नेक्स्ट वीडियो बहुत शीघ्र आपण मैंने आज भितरे पाइबे आम चैनल सब्सक्राइब जदि फास्ट भिजिट अच्छे सब्सक्राइब करूँ एवं फ्रेंड मान सहित सेयार करूँ आपण मैंने डिटेल्स पाइपर आपणकर जॉब अपडेट एजुकेशनल इनफॉरमेशन सब किसी आपन पाई परबे थैंक यू।